बहुत स्वागत है। आज एक शेर के माध्यम से शुरुआत करते हैं कि परिंदे भी नहीं रहते हैं पराए आशियानों में। ध्यान से सुनना, परिंदे भी नहीं रहते हैं पराए आशियानों में और इंसान को देखो पूरी उम्र गुजर जाती है किराए के मकानों को। तो दोस्तों इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित करेंगे आपका भाई मुकेश नौटियाल शिवा होम के माध्यम से आपके लिए आपके सपनों का आशियाना लेके आया और वो भी बहुत ही कम बजट में, जिसे आप जल्दी से खरीदेंगे, अपना बनाएंगे और इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित करेंगे। लेकिन उन सभी से सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक भी अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि जब आप स्किप करते हो या जल्दी जल्दी उसको आगे फॉरवर्ड करते हो तो होता क्या है कि जरूरी जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, वो आप उसको भी स्किप कर जाते हो। तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके साथ में जो ऑल का ऑप्शन आता है ना उसे बहुत जरूरी प्रेस करना है। क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। अब स्टार्ट करते हैं। लगभग 55 गज का कवर्ड एरिया आपको मिल रहा है आपके इस 2 BHK के आशियाने के लिए, है ना। कनेक्टिविटी वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मेन नजफगढ़ रोड जो है वो आप यहां से हार्डली मान के चलिए आधा किलोमीटर, आप ज्यादा से ज्यादा 600 मीटर की दूरी पे होगा। अब आप पूछेंगे वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, तो जी हाँ बिल्कुल, वेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है उत्तम नगर का वो हार्डली यहां से होगा 800 या 900 मीटर की दूरी पे। बहुत अच्छी वेंटिलेशन आपको यहां मिलने वाली है। ईस्ट फेसिंग आपकी बालकनी खुल जाती है, साथ में आपको लिफ्ट के साथ मिल रहा है और अगर यहां पे आपको जो मिलती है पार्किंग वो 2 व्हीलर की पार्किंग मिलने वाली है। बहुत अच्छा बजट है। जब आप एंड तक पूरी वीडियो देखोगे उसके बाद मुझे कॉल करोगे तो इस बजट में सुन के और इतना जबरदस्त इंटीरियर देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है। शुरू करते हैं अपने सफर को अब यहाँ से। तो एंटर कर चुका हूं मैं। जब बिल्डिंग के अंदर एंटर किया तो नीचे बहुत बड़ी आलीशान पार्किंग है, यानी कि लगभग 150 से 200 लोगों की गैदरिंग इजिली यहाँ हो सकती है। अब आपको छोटे मोटे बैंकेट हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, आपकी पार्किंग में आप अपनी पार्टी कर सकते हैं। अब जब मैं स्टेयरकेस से ऊपर आता हूं तो ये पूरा बड़ा पैसेज एरिया है। जैसे मैं आगे निकलता हूं पैसेज एरिया पे, बिल्कुल साथ में आपको यहाँ लिफ्ट का सेक्शन दिख जाता है, अच्छी टाइलिंग का काम करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे। और अब मैं आ चुका हूं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया आप देखेंगे, एक बार पूरा व्यू देख लीजिए लिविंग एरिया का, किस तरह से मैंने सोफे की प्लेसमेंट की हुई है। स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसको समझते हैं, ठीक है, वन बाय वन इसकी सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह स्टार्ट करेंगे अपने एल टाइप के बहुत ही जबरदस्त प्यारे से वॉलपेपर के साथ, बिल्कुल डिफरेंट थीम के साथ आपको यहाँ पे ये मिल जाता है, वॉलपेपर का काम करके दे रखा है। अब इसकी जो ये आप देख रहे हो ना बॉर्डर लाइन कह लो या इसकी जो मेन खासियत है वो चीज आपको वहां मिलने वाली है फॉल्स सीलिंग के डिजाइन में। फॉल्स सीलिंग का कलर देखो, डिजाइन देखो, लाइटिंग देखो और उसके बीच में जो चार चांद लगा रहा है, मतलब मल्टीपर्पज काम, यहाँ पे लाइटिंग भी आपको दे रहा है और फैन, मतलब एसी जैसे ठंडी कूलिंग हवा आपको मिल रही है, बहुत अच्छे इसके बड़े बड़े ब्लेड्स हैं। सामने आप देखोगे यहाँ पे आपको मिरर वर्क का काम करके दे रखा है और वो भी खूबसूरत सी लाइटिंग के साथ में। प्लेसमेंट आप सोफे की देख ही रहे हो, यहाँ पे इजिली 5 सीटर आपके लिए लगा के दे दिया है, बीच में एक छोटा सा सेंटर टेबल लग गया है और काफी अच्छा स्पेस निकल के आ जाता है यहाँ बिल्कुल सामने। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा। विट्रीफाइड टाइल देखेंगे आप 2x2 की, बहुत ही अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की आपको विट्रीफाइड टाइल मिल जाती है। सामने वाली वॉल पे आप देखोगे कितना जबरदस्त वुडन पैटर्न में आपको यहाँ पे आपका एलईडी पैनल मिल जाता है, बहुत स्मार्ट लुक देता है। सारे जो ड्रॉर्स वगैरह है वो आपको इस तरह से मिल जाती है विद लाइटिंग। तो ये लिविंग एरिया था, लिविंग एरिया में काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल गया है। अब लिविंग एरिया के बिल्कुल साथों साथ आप देखोगे एल टाइप का एक स्मार्ट सा किचन, वार्डरोब का साइज, जो भी इसके स्टोरेजेस है उनका साइज देखिए, पूरी हाइट तक दे रखा है इस बार, अच्छी सी लाइटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ। और अब कलर कॉम्बिनेशन ऊपर का व्हाइट और ग्रे हर बार की तरह बहुत सुंदर और स्मार्ट लगता है। यहाँ पे आपको एक ब्रांडेड चिमनी मिल जाती है,
पूरा यहाँ पे आपको टाइलिंग का काम करके दे रखा है ग्रेस लुक में, ताकि अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना रहे। सिंक एरिया आ गया, ग्रेनाइट आपका अच्छी क्वालिटी का, और बड़े बड़े स्टोरेजेस आप देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छे स्टोरेजेस मिल रहे हैं, कटलरी वगैरह, पार्टीशन, चाहे मैं एल टाइप की बात करूं इस तरह से, ये आपका एल कॉर्नर हो गया पूरा, काफी स्पेस मिल जाता है बड़े बड़े ड्रम्स रखने के लिए आपको यहाँ पे। यहाँ पे आता है देखेंगे ये स्पेस मिल गया आपको लाइटिंग के साथ में, और ऊपर एक छोटी सी फैंसी सी लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। आप देखेंगे बहुत अच्छा किचन का साइज निकल के आ रखा है, यानी कि 3 BHK में भी इतना बड़ा किचन आपको मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे ये आपका स्पेस जो है वो आपको फ्रिज के लिए मिल जाता है, नीचे पावर पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे आपको पार्टीशन के लिए, ताकि फ्रिज में आपको जब आप यहाँ पे बर्तन धोते हैं तो पानी वानी जो है आपके फ्रिज में न जाए, तो ये आपको मिल गया किचन का एरिया। अब बिल्कुल सामने आप यहाँ देखोगे हमारा जो LED पैनल था उसके बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। टाइलिंग का काम बहुत जबरदस्त हो रखा है, अभी सैनिटरी फिटिंग इसमें लगनी अभी बाकी है, वो भी आपको ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाती है। और अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम का साइज देखेंगे वो भी काफी अच्छा है। मैंने पूरा एक बड़ा सा बेड लगा के आपको दे रखा है, आप साइज से समझ सकते हैं, स्पेस आप समझ सकते हैं, वहां भी उतनी जगह है, यहाँ भी एक वॉलपेपर स्मार्ट सा आपको यहाँ मिल जाता है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है। कहीं ना कहीं जो ये गोल्डन प्लेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रखा है, फॉल सीलिंग का डिजाइन, और उसके साथ में एक ब्रांडेड फैन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल आपके भाई ने लाके दिया है, ड्रेसिंग टेबल अभी मैंने पैक कर रखा है ताकि डस्ट वस्ट ना हो, इसका उद्घाटन आप ही करोगे। यहाँ आपको इतनी बड़ी विंडो मिल जाती है, विंडो अपना जो विंडो एसी है वो आप यहाँ प्लेस कर देते हैं, और इसके साथ में आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम का साइज भी आप देखोगे बहुत अच्छा है, जबरदस्त टाइलों का काम हो रखा है, सैनिटरी फिटिंग अभी लगेगी इसमें वो पेंडिंग है। और यहाँ से आ जाती है हमारी बालकनी, बालकनी का स्पेस आप देखोगे काफी अच्छा आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपका पॉइंट दे रखा है दोनों का, इलेक्ट्रिकल का और उसका SS फिनिश की ग्रिलिंग और लाइटिंग का काम करके दे रखा है। तो ये हमारा बालकनी एरिया था, और जब मैं इससे अपने फर्स्ट बेडरूम से निकल के लिविंग एरिया के पास जाता हूँ, और लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ में ये मेरा एंट्रेंस था, और उसके साथ में आपको यहाँ मिल जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का साइज भी काफी अच्छा और स्मार्ट आपको मिल जाता है, एक पूरा बेड लगा के आपको यहाँ पे एक दिखा रखा है कि कितना स्पेस निकल के आ रहा है, पूरी वार्डरोब ऊपर तक दे रखी है, आप देखेंगे फुल हाइट तक बना के दे रखी है, और यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्पेशियस वार्डरोब मिल जाती है। कलर एकदम शुद्ध रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा चटक पटक वाला नहीं रखा हुआ। यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट का प्रोविजन है, और आप स्प्लिट एसी अपना यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो लाइटिंग के साथ, और ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत स्मार्ट सा, और यहाँ पे भी आपको एक ब्रांडेड फैन मिल जाता है। तो ये हमारा 2 BHK का सस्ते बजट का, अच्छी लोकेशन पे सारी चीज इसमें आपको अच्छी अच्छी मिलने वाली है। अब अगर आपको नक्शा समझ आ गया है तो आपने क्या करना है, जल्दी से मुझे कॉल करना है, क्योंकि इसका प्राइस सुन के आपका दिल करेगा कि इसको जल्दी से ले ले, और वो जो शेयर मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था उसे हमने गलत साबित करना है। जब परिंदे भी अपने आशियाने में रह रहे हैं तो हम क्यों किराए के मकानों में रहे। जल्दी से मुझे कॉल करना, फिर से मिलेंगे हम एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपके लिए आपके सपनों का आशियाना लेके आऊंगा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।